संसद में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन भी कहा है, जिस पर लेकर काफी बवाल हो गया है। एक तरफ भारत माता की जय बोलने के लिए नकार देते हैं, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलते हैं। नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर, जो क़ानून के मुजब तय पाया है, एतिकाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा, और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नीतीश राणा ने कहा कि ओवैसी की जो जबान काट कर लाएगा वो उसको इनाम देंगे, इस पर क्या? ये बदतमीजी है, गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक सांसद ने कहा कि जय हिंदू राष्ट्र, और वो सांसद जो है वो कसम खा रहा है, वो शपथ ले रहा है कि मैं संविधान की शपथ ले रहा हूँ और मैं संविधान का पूरा ख्याल करते हुए काम करूंगा, परंतु वो कह रहा है जय हिंदू राष्ट्र, उसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहा आप लोग, उसके बारे में क्यों हलचल हो रही है? ये जो है, ये शुरुआत ये लोग करते हैं तो उसको देख और लोग का मन बढ़ता है, तो ये होता है। शुरुआत इन लोगों ने किया है, ये जय जय हिंदू राष्ट्र, जय सियाराम, ये नहीं है। ये जाओ अपने घर में जो कहना कहो, लेकिन इस तरह की चीजें ला करके भड़काने का जो काम बीजेपी करती है ना, इसकी वजह से सब देश में हो रहा है। लेकिन ओवैसी के बयान को जो उन्होंने जय फिलिस्तीन का उसको आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि आप पहले ये पूछिए ना कि जिसने कहा वहाँ पर कि जय हिंदू राष्ट्र, उसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है, उसकी वजह से उसने बोला है। तो आप समर्थन करते हैं? मैं समर्थन तो किसी की नहीं करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने क्या बोला है वो आप सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी देश संविधान में भी उसने कसम लिया है, उसने की कोई ऐसी बातें किया नहीं समाजवादी पार्टी ने, और हम इस सब चीज में जाते नहीं है। हम मेहनत करते हैं, गरीबों का काम करते हैं, उनका आंसू पोंछते हैं, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, जो भी उसके लिए काम करते हैं उस पर उठ लेते हैं।